कितने किलोमीटर चल जाती है? नहीं मतलब भैया बेकार है, अभी भी सर्विस सेंटर से लेके आ रहा हूँ, मतलब बेकार है, लेने का फायदा नहीं। ये इन्होंने ना यहाँ से हैंडल सही से सेट नहीं करा है, बहुत फर्क है। तो हमारी बाइक खड़ी हुई है बाहर, तो लोकेशन शेयर की है और ये नए लग गए हैं। एक साइड का तो इन्होंने न्यू डाल दिया है और देखो बेवकूफ़ ने ये भी टूटने का वेट कर रहा है, ये भी नहीं डाला अभी तक। मैं कहता हूँ गुस्सा आता है इन लोगों पे मेरे को, आधे काम करने आधे नहीं करने। और वॉश वूश ये करते नहीं है, ऐसे छोड़ देते हैं यहाँ पे। देखो अब वो टूटेगा फिर आएगा ट्रैप में इन लोगों पे, और ये भी जंग खा गया पूरा, पूरी बाइक ही जंग खा रही है। देखो थोड़ा बहुत पानी मिल जाएगा तो कैसे चलेगा काम, में देखो पता नहीं कब से खड़ी कर रखी है इन लोगों ने, ये भी बंद नहीं है। ये हाल आप लोगों की प्यारी रिवोल्ट का देख लो। गुजरने वाला टाउन, फिर अंदर बोलना पड़ेगा, अधूरे काम कर रखे हैं इन लोगों ने। बाकी चीज़ें तो अभी लंच कर रहे हैं तब पता लगेगा कि क्या ठीक करा है क्या नहीं करा है। और ये वायर पता नहीं किस चीज़ की जा रही है, इतनी फ्रीली इतने आराम से कैसे जा रही है। अभी लंच करके आएंगे तो बता। रेडी है? हाँ जी। आओ कमी दिखाओ। इसका टूटने का वेट कर रहे हो? मैंने फर्स्ट डे बोला था कि ये वाला भी चेंज होगा, ये वाला भी चेंज होगा, तो पूरा टूट के लीक ही हो गया था। ये भी बस निकलने ही वाला, क्योंकि सेम ऐसे ही होकर टूटा था वो। अब इसका भी वेट करूँ मैं, फिर धक्के मार के लेके आऊँ इसको रोड पे। ऑयल भी नहीं है मेरे ख्याल से अभी इसमें, क्योंकि इससे भी बीच में लीक हो रहा था कुछ दिन पहले। परेशान ही है सर ले दे के, हम भी सब परेशान ही है लेके इसको। अच्छा जी, जितनी बार चलाई नहीं उससे ज़्यादा ला के खड़ी करी हमने टेम्पो में, कभी धक्का मार के कभी कुछ करके। अभी भी 15-20 दिन से खड़ी हुई थी। अच्छा जी, अभी ये काम पूरा नहीं है। फ़ोन करके बोल दिया अभी आगे ले जाओ। तो यहाँ ही इसको दोबारा लेके जा रहे हैं, इसका दूसरे साइड का मास्टर सिलेंडर ऑयल सिलेंडर का जो भी होता है उसका मिरर चेंज करने के लिए, क्योंकि इन्होंने एक चेंज करा एक करा नहीं है। लेके जा रहे, देखो कितनी देर में आते हैं दोबारा लेके। 2000 years later। दोनों रेड हो गए ना, पहले एक में रेड दिखाते हैं, वाइट में ऑयल चेंज करना पड़ता है, डिस्क पैड भी चेक करने पड़ेंगे, डाले नहीं डाले। पैड डल गए पीछे के, फ्रंट के भी डाले, फ्रंट के भी डाले, फ्रंट के ठीक है ना, मतलब एक बार वो चेंज हो सकते हैं। फ्रंट के भी डाले? हाँ फ्रंट के तो सही थे ना। नहीं ये प्लेस है वो भी। और क्या क्या था इसमें? ऑयल चेंज, मिरर डल गया, बटन चल रहा था। सेंसर डले, दोनों सेंसर खराब हो गए। कौन से वाले? जो ब्रेक सेंसर होता है, मतलब ब्रेक मारने में जो बंद हो जाता है। हाँ अगर जो रहते आगे चल रहे थे। इंडिकेटर दबा देना। यहाँ का नहीं चलता सही। इंडिकेटर लगा के हमें इंडिकेटर लगा, ठीक है, और जो बड़ा कर रहा है
मैं दे गया था, मैं तो परेशान था, सब कुछ मैंने बोला सब ठीक कर देना इसमें, कोई नहीं डलवा लेना, थोड़ी देर के लिए आ जाना कल पास। सर आने की दिक्कत है हमारी, आने की दिक्कत है हमारी, शॉप छोड़ के आने पड़ते हैं अभी, है नहीं हम आके परेशान। आपके पास चार पांच बार आ गए पार्क ले लगे, कभी टेम्पो में लाते हैं, कभी खींच के लाना पड़ता है। नहीं अपने लाने पड़ेंगे खेत के। अभी क्या क्या डाला है इसके अंदर? इंटरनली कुछ डाला है ना, क्या बताया था पार्ट का नाम? कंट्रोलर नया डाला है अपने, मतलब कंट्रोलर अब ठीक है। क्या इशू में? 800 रुपये बनती हुई बहुत थोड़ी। ये दोनों सीटें डले हैं, ब्रेक सेंसर डले हैं आपके, दोनों डिस्पैच डले हैं, ठीक है मैं बता देता हूँ। और क्या डला है इनकी गाड़ी में? हेलो, और सर्विस हुई है? सर्विस में क्या क्या होता है सर? बेल्ट क्लीनिंग होती है, कपड़ा वगैरह, कपड़ा वगैरह चेंज होते हैं, चेक होता है सर, चेंज नहीं होते, चेक होते हैं। चेंज करें इस बार? चेंज होते ही नहीं, कपड़ा जो वो होते हैं वायरिंग के कपड़ा वो साफ। अच्छा, टाइटनिंग वगैरह कर लेते हैं, क्लीन करके लगा देते हैं वो होते हैं। तो रिवॉल्ट के शोरूम पे आया था अपनी RB 400 लेने, तो आधा काम इन्होंने करा आधा नहीं कर रखा, ढंग से करते नहीं है। एक ऑयल्स का मिरर चेंज करा, एक का नहीं करा है, और गए दोबारा, ना इन्होंने वॉशिंग कर रखी है, ना चैन टाइट कर रखी है, ना क्लीन कर रखी है बाइक, नाम नाम की सर्विस है, खटारा सर्विस कर रखी है बिल्कुल। और दिखाता हूँ बाइक जब आपको लेके जाता हूँ यहाँ से, तब दिखाऊंगा बेल्ट वगैरह। तो रिवॉल्ट से वापसी जा रहे हैं हम, सर्विस सेंटर अपना सबसे बेकार, टायर में हवा भी नहीं डाली इन लोगों ने, इतने दिन से खड़ी थी, एक इनसे वॉशिंग भी नहीं हुई 15-20 दिन में, नाम नाम का सर्विस है इनकी, देख लो बिल्कुल भी हवा नहीं है टायर में, अब कहीं से हवा डलवानी पड़ेगी, देखो कहाँ मिलता है हवा वाला। बाकी भाई मैं तो रेकमेंड करूँगा कभी मत लो इसको, जब तक कोई अपग्रेड नहीं आता ना इसमें बढ़िया सा, तब तक तो इसकी सोचो ही मत इसके बारे में, क्योंकि खटारों में खटारा है ये। और ये हमें लग रहा था कि हमारे वजह से ख़राब हुआ है, पर नहीं, यहाँ से जो ऑयल टूट के गिरा था ना यहाँ से, ये उसके वजह से ख़राब हुआ है। ये यहाँ का ऑयल गिरता था, ये ऐसे खड़ी होती थी, ऑयल गिर के इसके ऊपर जाता था तो उससे ये पेंट ख़राब हुआ है, और हमें लगता था हमारे यहाँ किसी ने एसिड वगैरह गिरा दिया इस पर। देख लो पूरा ख़राब हो चुका है, पेंट पील ऑफ हो रहा है सारा, ये पार्टी चेंज करवाना पड़ेगा, अब कहाँ चांद पर जाएगा भाई। और 700 पता नहीं 750 रुपये का पार्ट है ये, बट अभी इनके पास कलर अवेलेबल ही नहीं था, ब्लैक कलर में था, तो मैंने वही बोला, मैंने सर ब्लैक में अच्छी लगेगी तो लगा दो, कहते नहीं। बाकी यार बहुत बेकार है, बंदों से सुबह हमने एक चार दिन पहले बुला रहे थे हमको, सर रेडी हो गई आके ले जाओ, मैं सर मैं आपको 2 दिन और देता हूँ ढंग से देख लो, कह रहे सर ठीक है आप 2 दिन बाद आइए। अब मैं आज भी आया, इन्होंने एक शीशा कर रखा था एक नहीं कर रखा था, दिमाग ख़राब है ये लोग। और आराम से चलो भाई, बिल्कुल हवा नहीं है, कहीं गिर गया आ गया तो दिक्कत हो जाएगी। ओहो हो, बहुत दिक्कत दे रही है ये तो, बिल्कुल भी हवा नहीं है भाई, क्या करूँ, आराम आराम से ले जाता हूँ धक्का लपेटी में, फंस ही गया मैं तो। तो देख लो रिवॉल्ट लेने वालों, दूर के ढोल सबको सुहाने लगते हैं, मेरी पहली सर्विस फ्री होनी चाहिए थी अगर इनकी तरफ से देखा जाए तो, बट नहीं, इन्होंने उसको पेड करा, पैसे कमाने इनको कहीं से भी, क्योंकि फ्री में पैसे मिलते नहीं होंगे। देखा, और आर एस ए ले लिया मैंने, क्योंकि भाई हमारे बस की नहीं है, इसको बार बार धक्का लपेटी करके लेकर आओ, इतना टाइम हम पे होता नहीं है, इस खटारा के पीछे टाइम वेस्ट करें हम, इस यहाँ पे आने का मतलब दिन भर का नुकसान, दुकान का नुकसान, दुकान में दुकानदारी का नुकसान, तो भाई ये हमारे बस के नहीं है।
हाँ एक तो हवा नहीं है ना, आराम आराम से जाना पड़ रहा बहुत। कहाँ पंचर वाला मिल जाए ना कहीं पे, बहुत ही बुरा हाल है भाई। मिरर जिनके पास होते नहीं, पता नहीं ये लीक ना हो रहा, पता नहीं कैसे लगाया है, इसमें कुछ डॉट लगा हुआ है। मज़ा आ गया हवा लगा के, तो पेट्रोल पंप थी तो फ्री में हवा लगी अपनी। वैसे पेट्रोल पंप हवा फ्री होती है, ये रूल होता है कि एयर फ्री रखनी है आपको और कंपलसरी है। पाजी इधर देख लो की कर दे पाए, तो अपनी गाड़ी खड़ी भी है नहीं खड़ी, हाँ खड़ी है यार गिरी, पता नहीं डगमगा बढ़ी रही है। पता नहीं बड़ी डगमगा रही है, हवा डलवा ली। चलो पहले कुछ खा पी लेता हूँ फिर आता हूँ वापसी कंटिन्यू। ये यहाँ का फेमस गोल दही बल्ले वाला। मुझे लग रहा बारिश होगी। A few moments later. अरे भैया बेकार है, अभी भी सर्विस सेंटर से लेके आ रहा हूँ, मतलब बेकार है लेने का फायदा नहीं है, हम तो लेके पछता रहे हैं। इससे बढ़िया बैटरी वाली स्कूटी आती है TVS की, वो ले लो, ये तो कूड़ा है। है बड़े भाई, हाँ हाँ निकाल, ये इन्होंने ना यहाँ से हैंडल सही से सेट नहीं करा है, पक्की बात है। यहाँ ज़्यादा हैंडल है, यहाँ कम है। बहुत फर्क है। इन्होंने हैंडल ना दोबारा सेट नहीं करा सही से, मतलब खोला होगा ना एक तरफ हैंडल ज़्यादा है एक तरफ हैंडल कम है, वो तो खुद भी कर लेंगे हम, तभी बैलेंस नहीं आ रहा है इसमें। देखा, मतलब बेवकूफ़ लोगों की इतनी बढ़िया चीज़ लगी ना मेरे को, मेरे को वही लग रहा है हैंडल हवा भर वाली फिर भी एक तरफ भाग रहा है, अब कुछ ज़्यादा ही भाग रहा है। ये देखो सेंटर ही नहीं है हैंडल का, और प्रूफ नहीं होगा तो मैं नाप के भी दिखा दूंगा आप लोगों को। ये नहीं है कि इसके वजह से लग रहा हो, पर यहाँ पे गैप ज़्यादा है, इन्होंने खोला होगा इसके ये ऑयल वगैरह चेंज करने के लिए, कुछ भी करने के लिए खोला होगा मुझे नहीं पता, बट इन्होंने ढंग से वापसी लगाया नहीं है इसको, खटारा कर रखा है खटारा। अभी एक बंदा ही पूछता भैया कैसी, भैया कैसी है, मेरे भैया खटारा है ले मत लेना इसको, हम लेके पछता रहे हैं ना, दूसरों को सही सलाह ही दो कि भाई हमसे ना लिया जाएगा। अब देखो कितनी अच्छी भाग रही है, बस इसका यही है जब भी ठीक करा के लाओ ना तब तक अच्छी है ये, और अभी देख लेना 10 दिन के अंदर फिर एक और कुछ मिल जाएगा आपको इसका। अब पता नहीं उन्होंने क्या चेंज करा था इसके अंदर, क्या रिपेयर करा है चेंज करा हमें नहीं पता, और आपकी तो रोड साइड असिस्टेंट है, जब भी खराब होगी फोन मारूंगा सीधा लेके जाओ यहाँ से ये कूड़ा का भंगार, और शॉप पे जाके पहले हैंडल भी सीधा करूँगा, तभी ये पाइप भी मुड़ रही है यहाँ से, और टाई बेल्टे भी नहीं लगाई इन लोगों ने यहाँ पे। एक तो ना शोरूम से निकल के मेरे को चीज़ें दिखती है,
स्पीकर तो चल रहा है, ये देखो सुन रहे स्पीकर की आवाज, स्पीकर तो चल रहा है। पर भाइयों वैल्यू फॉर मनी चीज़ नहीं है ये, मतलब मेरे लिए तो बिल्कुल नहीं है। 160 के आसपास पड़ रही है जो उस प्लान पे, उस पर तो वैल्यू फॉर मनी नहीं है। नहीं मेरे को लगा अपनी गाड़ी का स्टेबिलिटी तो ख़त्म ही लग रही है मेरे को हैंडल के वजह से। ओ निकल गए अंडरपास से बाहर। बैटरी 75 पे दी थी उन लोगों ने और किलोमीटर मैंने ध्यान नहीं दिए, आगे गूगल मैप पे देख लेंगे वहाँ से घर का कितना किलोमीटर पड़ता है शॉप का। कॉल आ गया मेरे पास। हेलो भाई बहुत तगड़ा हिल रहा है हैंडल, मतलब हल्के में ज़्यादा हिल रहा है, स्पीड में नहीं हिल रहा, पता नहीं क्यों क्या ही सिस्टम हो रहा है ये। अगर मुझे तो यही लग रहा है इशू क्योंकि मैंने वायरिंग वगैरह सारी खोली है ना, ये सब गैप देखो यहाँ इतना आ रहा है और यहाँ यहाँ रखूँगा तो ये यहाँ जा रहा है, तो फ़र्क है खोल के खुद ही ठीक करेंगे। कम अक्ल लोगे थोड़े से क्या कर सकते हैं, 8वीं 10वीं पास बंदों को तो इन लोगों ने बिठा रखा है अंदर। इंजीनियर था इनका, मेरे छोटे भाई से भी छोटा, पता नहीं क्या ही होता है ये लोग। मेरा तो मन ही नहीं भरता इनको सुनाने से क्योंकि यार दिन ख़राब होता है पूरा, और बंदे ने जब कोई चीज़ खरीदी है तो सुविधा के लिए खरीदी है कि परेशान होने के लिए खरीदी है। सुविधा तो कोई है नहीं, परेशानियाँ ज़्यादा है। अब देखो धीरे में ज़्यादा मेरे को दिक्कत हो रही है हैंडल से क्योंकि ऐसे भाग जा रहा है, ऐसे हो जा रहा है ऐसे। ये देखो कोई भी कहीं से किधर भी अपना डायलॉग, कोई भी कहीं से किधर भी। ओह भाई 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 भाई, और अब देखते हैं ये ऑयल मिरर जो है कब ब्रेक होंगे, कितनी जल्दी ब्रेक होंगे। और भाई कसम से पहली बार मैंने देखा है इतनी जल्दी क्रैक होते हुए। एक कर दिया एक छोड़ दिया उन्होंने, हाँ जी जब क्रैक होगा तब करेंगे, अभी रहने दो, मतलब पूरा डैमेज होगा तब करेंगे। और ऑलमोस्ट वो ऐसा हो रहा था कि छू और टूट जाएगा ऐसा हो रखा था, तब भी इन्होंने चेंज नहीं करा, कह रहे सर भूल गए हम। अभी तुम एक डाल रहे हो दूसरी तरफ का तुम्हें दिख नहीं रहा, पागल बनाने वाली बातें करते हैं। मेरे को डाउट है आगे वाली डिस्क भी नहीं डाली है, नहीं डाली है कहीं, उसी को नया ऊपर ऑयल लगा दिया उसके साइडों में जिससे चमक रहा है वो। तो एक और बेवकूफ़ी देखो इन लोगों की, इतना दिमाग नहीं है। वहाँ पे इन्होंने आर एस ए बनाया उसमें रीडिंग गलत लिख दी है मीटर की, यहाँ पे 37 समथिंग था और उन्होंने लिख दिया 35 कुछ लिखा है उन्होंने। तो मैंने उनसे कहा भी था सर वो 37 कह रहा है आपका लड़का, कह रहा नहीं सर 35 कह रहा है, बिल्कुल बहरे एक नंबर के, कम अक्ल कहीं के, दिमाग नाम की तो चीज़ ही नहीं है इन लोगों में। देखो अब फ़ोन कर रहा हूँ तो फ़ोन उठा नहीं रहे, अजीब ही है भाई। यहाँ पर भी जाम लगा है। तो शॉप आने वाली है तो मैं व्लॉग को यहीं एंड करता हूँ, और वीडियो पसंद आए तो आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और कमेंट करके बताना है कि नेक्स्ट मैं क्या बनाऊँ इसके ऊपर, क्या दिखाऊँ रिवॉल्ट के बारे में। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।